शरीर से जो मुसल उत्पन्न हुआ है उसकी शक्ति इतनी भयानक होगी कि उसके एक प्रहार से स्वस्थ द्वारिका चूर चूर हो जाएगी। एकमात्र तुम ही हो जो बता सकते हो कि वो शक्ति क्या है। ये वो शक्ति है जो प्रलय का आरंभ करती है, युगों को नष्ट कर सकती है। ये शक्ति इसके घात से इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बच सकता है। बस यही एक कारण था कि मैं आपको द्वारकाधीश नहीं बनने दे रहा था। अब आप ही बताइए कि ये सब जानने के पश्चात आप द्वारकाधीश बनना चाहते हैं? मैं यहाँ तुमसे उस विनाशक शक्ति के विषय में ज्ञात करने आया था कान्हा, उन्हें अपना अपमान करवाने नहीं। सत्य कह रहे हो तुम, नहीं बन सकता मैं द्वारकाधीश, क्योंकि इस परिस्थिति में तो क्या, किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार को, अपनी प्रजा को, अपनी द्वारका को संभालने का ज्ञान नहीं है ना मुझमें। दाऊ, मैं भला आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं केवल एक भली भांति समझता हूँ काना, तुम्हारे शब्दों में रंग का जो स्वर था, मेरी अल्प बुद्धि को लेकर जो उपहास तुमने मुझसे किया है, इसको मैं भूलूंगा नहीं काना। मैं भी कृष्ण जितना ही ज्ञानी बनूंगा, प्रत्येक स्थिति में सबल रहूंगा राधा, और इस ज्ञान की यात्रा पर अब मैं चल पड़ूंगा। संसार के प्रत्येक ज्ञानी से मिलूंगा और उनमें से किसी महान व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर ही लौटूंगा। दाव, क्या कह रहे हैं आप? यही राधा, कि मैं द्वारका को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति की यात्रा पर जा रहा हूं। अपने अस्तित्व को जानने जा रहा हूं कि मैं वास्तव में हूं कौन। क्या मैं मात्र कृष्ण का बड़ा भाई हूं या वास्तव में मेरा कोई अस्तित्व भी है। इसीलिए मैं अपने भीतर के बल को यही द्वारका में छोड़कर राम समान ज्ञान जगाने जा रहा हूं। मैं द्वारका छोड़कर जा रहा हूं, छोड़कर जा रहा हूं। जाइए दा, आपकी यात्रा सफल हो। कृष्ण रोको दाऊ को। कैसे रोकू दाऊ को राधा, वो ज्ञान की प्राप्ति की यात्रा पर जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें रोकना केवल पाप होगा और ये हम नहीं कर सकते। जा रहा हूं मैं काना, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो आप चाहते हैं आशा करता हूं कि वो पूर्ण हो। दाऊ तो अपने ज्ञान की शुद्धा बुझाने जा रहे हैं, तुम किस लिए जा रही हो रहते? दाऊ ने आजीवन मेरा साथ दिया है, हर एक क्षण मेरे बड़े भ्राता से अधिक प्रेम से सदैव मेरी रक्षा की है। आज उनका मन विचलित है, मैं उनका साथ क्यों ना दूं? राधा, तुम लौटोगी कब? जब हमें उस सत्य का ज्ञान होगा जिसे दाऊ ढूंढ रहे हैं। अब मैं और दाऊ जब सबल होंगे ऐसी शक्तियों का सामना करने के लिए, हर परिस्थिति को संभालने के लिए, तब तक हम नहीं लौटेंगे। तब तक तुम द्वारकाधीश तो हो ही, सब संभाल लोगे। आगे बढ़ो। राधा के बिना मैं द्वारकाधीश तो हूं, बस राधा के बिना मैं कृष्ण नहीं। देखो शाल, हर ग्रह हमारे घर में है और हर परिस्थिति हमारे मनोकूल है।
विष्णु तो अब दुर्बल हो ही रहा है, अब देखो राधा भी उसे छोड़कर जा रही है। कैसे संभव है ये? कैसे राधा कृष्ण को छोड़ के चली जा सकती है? जब मृत्यु का समय आता है ना, तो सब कुछ मनोविरुद्ध होता है। पर बलराम, राधा गए क्यों, कहाँ? जहाँ भी वो गए हैं, जो भी वो चाहते हैं, उसका प्रबंध अब मैं ही करूंगा। सारथी, रथ रोको। ये तो हम असमंजस में पड़ गए राधा। अब तुम ही बताओ किस ओर चले हम? किस ओर से आरंभ करें गुरु के खोज की यात्रा? दाऊ के साथ आई हूँ, क्यों ना दाई और चले? उचित है, जैसा तुम कहो। सारथी, दाई और। एक पिता और पुत्र, उनमें कभी युद्ध नहीं होता, केवल प्रेम होता है। जो भी करना निर्मल मन और उचित उद्देश्य से करना सांप। आशा है तुम यही कर रहे हो। अनेक तपस्याओं के पश्चात मुझे सांप प्राप्त हुआ, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। पिताश्री, आपका मोर पंख, आपकी बांसुरी, आपका पीताम्बर, सब कुछ कितना सुंदर है और कितना पवित्र है। किंतु पिताश्री, आज मुझे आपके प्रति इतना प्रेम क्यों अनुभव हो रहा है, जो इतने वर्षों से द्वेष के बादल मेरे शीश पर मंडरा रहे थे, वो कहाँ चले गए पिताश्री? तुम्हारे भीतर का सारा द्वेष, सारा क्रोध, सारी नकारात्मकता, सारे दुर्गुण तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। अब केवल महादेव का अंश शेष है, मेरा पुत्र साम शेष है। कितना मूर्ख था मैं जो वासुदेव श्री कृष्ण के विरुद्ध इतना भयानक अपराध किया मैंने। मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं सर, इस समय रोने का नहीं, कर्म करने का है। आज तक जितने भी अपराध, जितने भी पाप तुमने किए, उससे कहीं अधिक अब पुण्य करो। आज तुम्हारे इस बहुत से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। आज तक जितने भी अपराध तुमने किए हैं, उसके लिए मैं तुम्हें हृदय से क्षमा करता हूँ सा। ये क्या हुआ? दुर्वासा का श्राप समाप्त और अब कृष्ण का प्रेम आरंभ। अब तुम वो साम नहीं हो जो द्वारका को डुबाना चाहता था, अब तुम वो साम हो जो द्वारका की सेवा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जीना चाहता है।
अब तुम कृष्ण का अंत नहीं चाहते, अब तुम कृष्ण प्रेम में जीना चाहते हो। तुम्हें परिवर्तन हो चुका है सा। पिताश्री, एक बात कहूं पुत्र, जब से तुमने जन्म लिया है आज तक कभी अपने पिता को गले से नहीं लगाया। ये सुख भी मुझे प्राप्त करने दो। पिताश्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने श्री कृष्ण के प्रति किए हर एक अपराध के लिए मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताश्री। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मेरा पुत्र लौट आया है। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि। सुना तुमने राधा, कितनी दिव्य ध्वनि, परंतु ये ध्वनि है किसकी? सुनिए, ये कैसी ध्वनि है और कहां से आ रही है? यहाँ एक बड़े ज्ञानी ऋषि रहते हैं। पिछले 1,000 वर्ष से वो यहाँ वेदों का पठन करते हैं। सभी लोग उन्हें सुनने जाते हैं। कहाँ है वो? वहाँ उस वन में मिलेंगे वो। धन्यवाद, चलिए दा चलकर देखते हैं। तो यही वो ऋषि जो 1,000 वर्षों से वेद पाठन कर रहे हैं। यही हैं हमारे गुरु, वेदों के पंडित, वेदों के कंठधर, जिन्होंने वेदों को कंठ में धारण किया है। महान ऋषिवर रोमहर्षण। नया साधक आया, ज्ञान शुदा बुझाने। राधा देखो, मैंने कुछ कहा भी नहीं और उन्हें उन्हें मेरे आगमन का ज्ञान हो गया। हे ऋषिवर, अब यदि आपको मेरे आगमन का ज्ञान हो गया है तो मेरा मंतव्य भी जान लीजिए। कुछ मत कहना। छोटे भाई से मन मुटाव हो गया। ये तो आपने उचित अनुमान लगाया। अनुमान नहीं, ज्ञान है बलराम। कृष्ण से रूठे हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सराहता नहीं, सम्मान नहीं करता। ऋषिवर, ये सब आप कैसे जान पा रहे हैं? बलराम की प्रतीक्षा तो मैं वर्षों से कर रहा हूं, और एक शिष्य की प्रतीक्षा तो गुरु को करनी ही पड़ती। अर्थात ऋषिवर, समझाऊंगा, पहले इतना जान लो कि कृष्ण जो कर रहे वो उचित है, क्योंकि कृष्ण कुछ अनुचित कर ही नहीं सकते।